आज डिस्कस करेंगे वुड सीजनिंग के बारे में। वुड सीजनिंग क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। तो वुड सीजनिंग जो है एक तरह की ड्राइंग प्रोसेस है, लकड़ी को सुखाने की प्रोसेस होती है वुड सीजनिंग। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो नेचुरल की तरह से। नेचुरल मीन्स हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी जगह होगी जिसके ऊपर एक रूफ होगी ताकि ये हमें बरसात से पानी से बचा सके, और नीचे इसके हम काफी सारी लकड़ियां रख देंगे और उनके बीच में क्या होंगे, बैटन्स। ये बैटन्स क्या होते हैं, बैटन्स इनको स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। लंबे लंबे ये वुडन के भी हो सकते हैं, लंबे लंबे पीसेस या किसी मेटल के भी हो सकते हैं। ये गैप मेंटेन रखते हैं हर एक वुड के अंदर ताकि एयर इजिली फ्लो हो सके। उसके बाद ये है हमारी वुड जो हमें, वुड और टिम्बर जो हमें सुखानी है नेचुरल प्रोसेस से। और नीचे है सबसे ट्रॉली। ये ट्रॉली जो है इन वुड्स को अंदर और बाहर करने के काम आती है। इस ट्रॉली के ऊपर हम सारी वुड रख देंगे बैटन्स के साथ, और नेचुरली क्या होगा, एयर फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। एयर फ्लो करना स्टार्ट करेगी और आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम बाद जो हमारी वुड है वो ड्राई हो जाएगी और इसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा। तो ये तो है नेचुरली, ये काफी टाइम लेती है प्रोसेस वुड को सुखाने के लिए, उसका मॉइस्चर कंटेंट कम करने के लिए। तो ये एयर है जो इजिली पास होती रहेगी और वुड को सुखा देगी। बात करते हैं किल्न सीजनिंग की। इसके अंदर क्या होता है, हम वुड को आर्टिफिशियली सुखाते हैं। तो उसके लिए जो पार्ट्स हैं, हमारे पास ब्रिक लाइनिंग के साथ एक रूफ होगी। ये ब्रिक लाइंस हैं और एक रूफ है जिसके नीचे हम अपनी वुड को रख देंगे। ये बैटन्स लगे हुए हैं जैसे पिछले हमने नेचुरल में लगाए थे। ये वुड है और नीचे ट्रॉली है, उसके रोलर्स हैं। ऊपर हमारे पास पाइप्स होंगे स्टीम जेट के लिए ताकि हम अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रख सकें, ह्यूमिडिटी को मेंटेन रख सकें। और हमारे पास एक होगा फैन जो कि एयर सप्लाई करेगा वुड को। तो इसकी वर्किंग कैसे होगी, सबसे ऊपर लगा होगा वेंट ताकि हम एक्सेसिव एयर को बाहर निकाल सकें। तो हमारा जो फैन है वो वर्किंग करेगा, रोटेट करेगा और एयर की सप्लाई करता रहेगा हमारी वुड को। तो वुड की सप्लाई, जो वुड को सप्लाई मिलेगी एयर की, उससे वो सूखती रहेगी। और जो हमारी स्टीम पाइप्स हैं ये हमारे काम आते हैं अंदर के टेम्परेचर को और मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। जब हमें अंदर चाहिए टेम्परेचर चाहिए या थोड़ी ह्यूमिडिटी चाहिए अकॉर्डिंग टू एयर, तो हम इससे सप्लाई करते हैं। और इससे हमारे जो वुड है वो 15 दिन से 20 दिन के अंदर लगभग अच्छी तरह जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके जो हमें चाहिए वो तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम दो तरह से नेचुरल और किल्न सीजनिंग की हेल्प ले सकते हैं। नेचुरल में ज़्यादा टाइम लगता है और किल्न सीजनिंग आर्टिफिशियली वुड को सुखाती है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।